मिसबाग बेटा कहाँ थे तुम? कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें? ठीक तो हो ना तुम? हाँ मामा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं तो जश्न में शरीक ही नहीं हुई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? परेशान लग रही हो। अब सीधी चाल से बात नहीं बनेगी, अब घोड़े को अपनी ढाई कदम वाली चाल चलनी ही पड़ेगी। हाँ मामू जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा। कैसी हो जन्नत? ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या हुआ, परेशान क्यों लग रही हो? मैं तो बस पूछ ही रही हूँ। तो एक बार समझ में नहीं आता मुझे तुमसे बात नहीं करती। क्या चाहती क्या हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई? चल, हुआ क्या है? बात क्या है जन्नत? मैंने किया क्या है? तुम्हें मारा है, पीटा है, तुम्हें जलाया है, क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? शादी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। या अल्लाह, मेरी सनम की तस्वीर इस तरह, जो ये सब मौला, ये काला जादू, ये सब कहीं मेरी सनम किसी बड़ी मुश्किल में तो नहीं? या अल्लाह, ये नई सनम मेरी सनम के साथ क्या किया? ये गलत हो सकता है। सब कुछ तो ठीक है, फिक्र मत कीजिए आप, एवरीथिंग्स फाइन। मुझे ऐसे लग रहा है शायद जैसे मेरे शौहर की जान को खतरा है। मेरे सामने बैठे हैं एकदम ठीक, फिर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है? आप ही तो मेरे शौहर है ना? आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे जन्नत? शायद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर हमारी लव मैरिज हुई तो फिर मुझे हम दोनों में इतनी दूरियां क्यों महसूस होती? शायद मुझे कुछ भी याद नहीं है कि हम कब पहली बार मिले थे,
कैसे मोहब्बत हुई थी। और पता है, जितना ज्यादा इस बारे में सोचती हूँ ना, मुझे उतना ऐसे लगता है कि जैसे मैं तो यहाँ हूँ लेकिन मेरा दिल कहीं और। मैं क्यों ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचना चाहती हूँ शायद, लेकिन कितना आपको भी परेशान कर देती हूँ ना ऐसे फालतू की बातें करके। तो मैं बच्चे को देखने आता कि तुम लोग कैसे हो। तो फिर इसमें छुपने की क्या जरूरत। तो वैसे भी तुम्हारे कमरे में बगर बुलाया था नहीं हो, इसलिए आइए बैठिए बैठिए। हाथ दीजिए, जिस काम को करने आए हैं वो तो अच्छे से कीजिए, अपना हाथ दीजिए। क्या आप इस बच्चे को महसूस कर सकते हैं? मेरी प्यारे अम्मी, रोने की कोई जरूरत नहीं है। ये ले, जितना याद करना है कर ले। इसने सुन तो नहीं लिया। जन्नत डर गई मुझे देख के। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर अब ऐसी बात नहीं है तो बहुत जल्द हो जाएगी। देखो, तुम इस घर में सबकी आंखों में धूल झोंक सकते हो, मेरी आंखों में नहीं। पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे तुम्हारी असलियत पता है। मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे तुम, क्योंकि झूठ चाहे जितने मर्जी नकाब हो ले, सच नहीं बन सकता। इंसान की शख्सियत उसकी आंखों से बयां होती है, और ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, इनमें सिर्फ फरेब है। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में एक शैतान छुपा हुआ है, जो हर वक्त अपनी शैतानी चालें चलता रहता है। लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे डरूंगी नहीं और ना ही नजरें चुराऊंगी। पर ख्याल रहे कि तुम भी ऐसा कुछ मत करना कि मेरी नजरों में आ जाओ, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना तो मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि सब कुछ भूल जाओगे तुम। आर्मी ऑफिसर की बीवी हूं मैं, कोई बेबस लाचार औरत नहीं हूं जो तुमसे डर जाऊंगी या घबरा जाऊंगी। शाद की दोस्त हो तुम, इस हक से तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन मैं तुम पे कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। इसलिए आज के बाद कुछ भी टेढ़ा करने से पहले ये सोच लेना कि खुदा के साथ साथ मेरी नजरें भी हर वक्त तुम पे। किसी को भी अपने ये तेवर दिखाने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है जनाब। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।